नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। आज हम बात करने वाले हैं वीवो के लेटेस्ट लॉन्च अपकमिंग मॉडल जो कि है वीवो V15 Pro और साथ में कंपैरिजन करने वाले हैं OnePlus 60 के साथ में। देखो, अगर हमारा बजट है 30-40,000 रुपीज का, सबसे पहले माइंड में आता है हमारा OnePlus। OnePlus में चाहे कोई भी प्रीमियम वाला मॉडल हो, OnePlus 6 हो, 60 हो, लेकिन OnePlus का नाम जो है हमारे माइंड में जरूर से आता है। तो यार, इसलिए वीवो जो है टक्कर देने की कोशिश कर रहा है V15 Pro को लॉन्च करके। मतलब जो है लॉन्च होने वाला है 20 तारीख को, 20 फरवरी को। देखते हैं क्या कमाल दिखा पाता है, जो कि रूमर्स जो है सब कुछ निकल के आ गए हैं, सब कुछ लीक्स जो है निकल के आ गए हैं। तो कर लेते हैं कंपैरिजन और देखते हैं कि यार क्या आपको जो है रुकना चाहिए V15 Pro के लिए या फिर जो है आपको OnePlus की तरफ जाना चाहिए। तो करते हैं इस वीडियो में कंपैरिजन और देखते हैं कहां पर जो है वीवो बेटर है, कहां पर OnePlus बेटर है। और इसके अलावा आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से करो सब्सक्राइब। आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन जो कि वो सब्सक्राइब का, दबा के कर देना उसको, ग्रे साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट देखने को मिल जाएंगे। अभी देखते हैं इस वीडियो में OnePlus 60 और Vivo V15 Pro के बीच में कंपैरिजन। तो देखो यार, हमारा बजट अगर 30-40,000 रुपीज़ तक का होता है, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है OnePlus और उसके बाद में 40-50 अराउंड जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले सैमसंग का नाम आता है और उसके बाद में आता है आईफोन, जो कि आईफोन के जो भी शौक रखते हैं। अरे ये बात है, तो अभी हम कंपेयर करने वाले हैं V15 Pro, क्योंकि V15 Pro जो है टक्कर देने वाला है OnePlus को। OnePlus का प्रीमियम मॉडल चाहे कोई सा भी हो, 6 हो, 60 हो, तो उसको जो है टक्कर देने वाला है, जो कि लॉन्च हो सकता है V15 Pro अप्रॉक्स 30,000 रुपीज़ तक की प्राइस में। उम्मीद तो यही है कि 27-28 या फिर मैक्सिमम 30,000 रुपए तक लॉन्च होता है उसका बेस वेरिएंट। करते हैं अभी कंपैरिजन। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन की, तो V15 Pro का डिजाइन जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है देखने को मिल जाएगा। एंड रियर साइड की बात करते हैं तो यहां पर जो है ट्रिपल कैमरा का आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि है ग्रेडियंट कलर के साथ में, मतलब ड्यूअल टोन कलर के साथ में, जो कि काफी प्रीमियम लुक दे रहा है, काफी अच्छा लुक दे रहा है हमें। एंड इसी को हम कंपेयर करते हैं OnePlus 60 के डिजाइन से, तो यार वो वाला डिजाइन भी जो है कम नहीं है, उसका डिजाइन भी जो है काफी शानदार लगता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यार डिजाइन में तो दोनों एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं, लेकिन डिजाइन में जो है V15 Pro का जो कैमरा हाइलाइटेड हो रहा है वहां पे ट्रिपल कैमरा, वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है हमें। तो यार यहां पर जो है डिस्प्ले साइज की बात करते हैं, तो Vivo V15 Pro का डिस्प्ले साइज मिलेगा जो कि है 6.39 इंच का डिस्प्ले, और यहां पर हम बात करते हैं OnePlus 60 की तो मिलता है 6.4 इंच का डिस्प्ले। मतलब यार डिस्प्ले साइज दोनों में सेम देखने को मिलेगा, दोनों में रेजोल्यूशन सेम मिलेगा FHD प्लस का, लेकिन यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी में फर्क देखने को मिलेगा। जैसा कि हमें पता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो जो है एमोलेड डिस्प्ले में ही यूज होता है, तो OnePlus 60 में डिस्प्ले यूज किया गया है वो है ऑप्टिक एमोलेड, और यहां पर V15 Pro में यूज किया जाएगा सुपर एमोलेड। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं कि कौन सा फोन का डिस्प्ले जो है बेटर है, तो वहां पर निकल के आएगा V15 Pro का, क्योंकि ऑप्टिक एमोलेड से बेटर डिस्प्ले होती है सुपर एमोलेड। तो यार ये बात है, तो हमने यहां पर डिजाइन की बात करी तो डिजाइन तो एक दूसरे को टक्कर देते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं यार कैमरे की, जो कि यार कैमरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, जो कि हाइलाइटेड फीचर है Vivo V15 Pro का पॉपअप कैमरा। तो पॉपअप कैमरे में हम बात करते हैं, वीवो के नेक्स्ट वाले मॉडल में जो है ये पॉपअप कैमरा आया था, जो कि काफी अच्छा लगा था, काफी इनोवेटिव फीचर है। जैसे आप फ्रंट कैमरा जो है ओपन करेंगे, आपको पॉपअप कैमरा जो है बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यार यहां पर जो है इसका हाइलाइटेड फीचर है जो कि है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जहां पर अपनी आप एक अच्छी इमेज जो है कैप्चर कर सकते हैं। रियर कैमरे में जो है ट्रिपल कैमरा शो हुआ है, जो कि है 48 मेगापिक्सल का प्लस 5MP का प्लस 8MP का, तो आपको जो है कुछ इस तरीके का जो है कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये तीन कैमरा काम किस लिए आएंगे वो हमें पता लग पाएगा लॉन्चिंग इवेंट के टाइम पे। हो सकता है वाइड एंगल के लिए हो, हो सकता है 2x ऑप्टिक जूम के लिए हो, तो यही बात है। अब यार मेन बात ये है, 48 मेगापिक्सल का यूज तो क्या है लेंस के अंदर, मतलब जो कैमरा पिक्सल है वो तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो है लेंस कौन सा मिलेगा, क्या हमें एक्चुअल क्वालिटी देखने को मिलेगी यहां पर 48MP की, या फिर जो है नहीं, तो देखते हैं लॉन्चिंग इवेंट पे। एंड इसके अलावा बात करते हैं यार यहाँ पर OnePlus 60 के कैमरे की, तो वहाँ पर आपको मिलता है 16MP प्लस 20MP का कैमरा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, तो कैमरे या फ्रंट कैमरे दोनों में ही जो है आपको जो है Vivo का V15 Pro बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि यार फ्रंट कैमरा जो है OnePlus 60 का वो है 16 मेगापिक्सल के साथ में, वहाँ पर 32MP है यार। तो हम ये बोलना चाहेंगे कैमरे के मामले में जो है बेटर रहने वाला है यहाँ पर V15 Pro। लेकिन यार डेप्थ सेंसिंग का अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि V15 Pro में यूज़ किया गया 5MP का कैमरा, यहाँ पर
अच्छा मिल जाता है, लेकिन देखते हैं क्या क्या मोड सबको जो है ट्रिपल कैमरे में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में हम बात करते हैं यार फोन के परफॉर्मेंस की, वो बहुत जरूरी होता है यार हमारे लिए। तो बता दूं आपको, यहाँ पर वीवो के V15 Pro में यूज किया गया है स्नैपड्रैगन का 675, जो कि इंडिया का पहला ऐसा फोन बन जाएगा जो कि स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट जो है यूज किया जाएगा। बात करते हैं OnePlus 60 के, तो जाना माना पहचाना सबसे हायर चिपसेट है अभी तक का 845, वो OnePlus 60 में यूज किया गया है। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो जो है OnePlus 60 जो है आगे वाला है, प्राइस के मामले में हो सकता है थोड़ा बहुत आगे हो। तो देखते हैं क्या प्राइस लॉन्च करता है Vivo V15 Pro। तो यार परफॉर्मेंस में हम बोल सकते हैं कि जो है बेटर रहने वाला है OnePlus 60। बात करता हूं यार इसमें वेरिएंट की, तो वेरिएंट आने वाले हैं V15 Pro में जो कि है दो, जो कि हो सकता है 6GB, 128GB और 8GB वाला भी लॉन्च हो सकता है। यार सबसे लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी परफॉर्मेंस तो आपको जो है मिलेगा दोनों में ही सेम, जो कि है 3700mAh की बैटरी और दोनों में ही आपको जो है टाइप सी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप OnePlus 60 बाय करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 20 तारीख तक का लॉन्च होने वाला है V15 Pro, शायद आपका जो है माइंड डाइवर्ट हो जाए Vivo के V15 Pro के ऊपर, तो वेट करना जरूर बनता है। तो ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स साथ में, रिलेटिव साथ में, और कमेंट कीजिएगा आपका क्या मानना है इन दोनों फोन के बारे में, क्या आप V15 Pro को परचेज करना चाहोगे या फिर जो है नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, आपको मिलेगा इस वीडियो में लाल कलर बटन जो कि सब्सक्राइब का, दबा के कर देना उसको ग्रे, साथ में जो है बेल आइकन पे क्लिक कर लेना जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।